हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल फिलोसफी सिंप्लीफाइड। और नेक्स्ट टॉपिक जिस पे आज हम बात करेंगे वो रहेगा सेकुलरिज्म। ये टॉपिक जो है वो इट्स अ कॉमन टॉपिक है और इसका हम फैक्चुअल और वैल्यू बेस्ड एनालिसिस करेंगे। मतलब इसको हम पॉजिटिव साइंसेस के अकॉर्डिंग भी देखने की कोशिश करेंगे और इसको नॉर्मेटिव साइंसेस के अकॉर्डिंग भी देखने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग या फिलोसफी के अकॉर्डिंग सेकुलरिज्म्स को कैसे देखा जाता है, सेकुलरिज्म एक्चुअल में है क्या। क्लियर? सो लेट्स बिगिन। सो जो क्वेश्चन है सेकुलरिज्म का, ये राइजी कब होता है, जैसे स्क्रीन पे आपको लिखा नजर आ रहा होगा, व्हेन डिफरेंट कल्चर्स एंड कम्युनिटीज एग्जिस्ट विद इन द सेम कंट्री, हाउ शुड ए डेमोक्रेटिक स्टेट एंश्योर इक्वालिटी फॉर ईच ऑफ देम, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? सो सेकुलरिज्म की प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है, जहां पे मल्टीपल रिलीजन्स हों, मल्टीपल रिलीजन्स, मल्टीपल फेथ, मल्टीपल बिलीफ को एग्जिस्ट करते हों, और वहां पे जो गवर्नमेंट है, जो गवर्निंग बॉडी है, जो इंस्टीट्यूशंस बैलेंस बना के रख रहे हैं, हारमोनी बना रहे हैं, वो कैसे कंट्रोल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट फेथ हैं, डिफरेंट बिलीफ जो हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस लेके आएंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी प्रैक्टिसेस। तो जब आप डाइवर्स प्रैक्टिसेस प्रैक्टाइज करोगे, जो कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर आपका, इट लीड्स टू द कन्फ्यूजन, क्योस, क्राइसिस इन द सोसाइटी। सो बैलेंस कैसे बना के रखा जाता है, तब जाके जो क्वेश्चन इमर्ज होता है सेकुलरिज्म का, सेकुलरिज्म का कंसेप्ट तब अराइज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया में तो मल्टीपल रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, तो ये मल्टीपल रिलीजन्स हैं। तो मल्टीपल रिलीजन्स हैं, उनके मल्टीपल फेथ होंगे, मल्टीपल बिलीफ होंगे, मल्टीपल प्रैक्टिसेस होंगी, तो वो डेफिनेटली कॉन्ट्रडिक्शंस की तरफ लेके जाएंगे। तो अगर आपका जो एटीट्यूड है वो सेकुलर नहीं होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, अगर उनका एटीट्यूड सेकुलर नहीं होगा, देन डेफिनेटली कन्फ्यूजन्स होंगी। क्लियर? जैसे हम पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, 1947 से लेकर 1955 तक पाकिस्तान भी एक सेकुलर स्टेट था, वहाँ पे कोई स्टेट रिलीजन नहीं था। अब जैसे इंडिया की बात करें, यहाँ पे स्टेट रिलीजन नहीं है, सिंपल है ना, मल्टीपल रिलीजन्स है और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे है ना, पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ 1956 में जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, तो उनका जो आर्टिकल सेकंड है वो क्या बताता है कि जो इस्लाम है, पाकिस्तान है, इट्स इस्लामिक रिपब्लिक्स विद इस्लाम एज ए स्टेट रिलीजन्स। तो जो पाकिस्तान है वो सेकुलर कंट्री नहीं है, बड़ी सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं, बड़ी सारी क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, तो वहां पे सेकुलरिज्म का कंसेप्ट राइज नहीं होगा। सेकुलरिज्म का कंसेप्ट राइज ही कहां होगा, जब जहां पे मल्टीपल फेथ के, मल्टीपल रिलीजन्स के लोग एक साथ रहते हैं, जहाँ पे एक ही रिलीजन के लोग रहते हैं, वहाँ सेकुलरिज्म का कंसेप्ट राइज ही नहीं होता। वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, कट्टरवाद जो है। अब पाकिस्तान है वो कट्टरवाद है वहाँ पे। अब क्या इंडिया में आपको रिलीजियस फंडामेंटलिज्म देखने को मिलता है? तो चलिए शुरू करते हैं, व्हाट इज सेकुलरिज्म। सो द टर्म सेकुलर मीन्स बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन्स और हैविंग नो रिलीजन बेसिस। क्लियर? तो मतलब जब हम सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम है, इट इज रिलेटेड टू द गवर्नेंस, गवर्नमेंट स्टेट, कि गवर्नमेंट का जो रिलेशन है रिलीजन के साथ, जहाँ जो गवर्नमेंट को रिलीजन को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, क्या गवर्नमेंट और रिलीजन एक ही चीज़ है। जैसे मतलब अगर हम 14th century से पीछे चले जाएं, जैसे हम एज ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं 14th century का जो टाइम पीरियड है, उससे पहले का अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में पर्टिकुलरली बात करें, तो वो जो टाइम पीरियड था, वहाँ पे जो स्टेट है, इट इज रूल्ड बाय द चर्च, गवर्नमेंट इज डोमिनेट बाय द चर्च। तो बेसिक जो मीनिंग निकल के आता है सेकुलरिज्म का, वो ये है कि जो स्टेट है उसका जो एटीट्यूड है टूवर्ड रिलीजन्स, वो इनडिफरेंट होना चाहिए। स्टेट किसी भी रिलीजन को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगी। अगर है ना, जैसे इंडिया की ही हम बात करें, अगर जो स्टेट रिलीजन है, हिंदुइज्म हो जाए, इस्लाम हो जाए, क्रिश्चियनिटी हो जाए, सिखिज्म हो जाए, बुद्धिज्म हो जाए, तो आप एक जब रिलीजन को प्रेफरेंस देंगे, तो जो अदर वाले रिलीजन हैं वो क्या करेंगे, मतलब क्योस हो जाएगा, कन्फ्यूजन्स हो जाएंगी। इसलिए मतलब जो सेकुलरिज्म का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि जो उनका जहाँ तो रिलीजन को एकदम बिल्कुल साइड कर दीजिए, एक्सक्लूड कर दीजिए, है ना, और रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। सोशल एक्टिविटीज़ हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, हर जगह से रिलीजन को स्टेट से अलग रखा जाएगा। जैसे हम रिलीजन की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जो रिलीजियस डायमेंशन है सेकुलरिज्म का, वहाँ पे क्या कि सारे रिलीजन एक जैसे हैं भाई, या कोई भी रिलीजन इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी रिलीजन सबसे बड़ा नहीं है, नो रिलीजन इज सुप्रीम्स, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, दैट इज रिलीजियस डायमेंशन। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदुइज्म इंपॉर्टेंट है इंडिया में, या इस्लाम इंपॉर्टेंट है, या क्रिश्चियनिटी इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब इक्वल है।
दैट इज रिलीजियस डायमेंशन ऑफ सेकुलरिज्म. अगर आप सेकुलर हैं तो आप रिलीजन्स को इस तरह से देखेंगे कि कोई भी बड़ा जन छोटा नहीं है या सारे जैसे हैं. हम पॉलिटिकल डायमेंशन की अगर बात करें, वहाँ पे स्टेट को रिलीजन से अलग करके रखा जाएगा. अगर स्टेट इंपॉर्टेंस देगी तो सब रिलीजन्स को एक जैसी देगी, अदरवाइज किसी को नहीं देगी. इसलिए स्टेट और रिलीजन को अलग ही रखिए, आप उनको कंजॉइन नहीं कर सकते. इकोनॉमिक्स की बात करें, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर रिलीजन का कितना इन्फ्लुएंस रहता है, नहीं होना चाहिए. सोशल एक्टिविटीज़ हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब रिलीजन जो है हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको गाइड करता है, बट उसका कितना इन्फ्लुएंस होना चाहिए, क्योंकि जो उसका इन्फ्लुएंस है इट लीड्स टू द कन्फ्यूजन्स क्राइसिस. क्या फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सोशल एक्टिविटी की बात करते हैं, इस्लाम में क्या है कि गाय को मारा जाएगा, तो जैसे इस्लाम में है तो पिग को नहीं किल करते हैं, यहाँ पे गाय को किल नहीं करते हैं. वो कह रहा है जो रिलीजियस एस्पेक्ट है उसको सोशल एस्पेक्ट के साथ इंटरमिंगल्ड करके देखा जा रहा है. अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन्स होंगी. डेफिनेटली क्या होंगी, कन्फ्यूजन. इसलिए जो स्टेट का एटीट्यूड है टू वर्ड्स ऑल दीज एक्टिविटी, सोशल चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे कल्चरल एस्पेक्ट हो, वहाँ पे उनको एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा. वैसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को गलत बोलेंगे या सिर्फ हिंदुओं को गलत बोलेंगे या सिखों को गलत बोलेंगे या क्रिश्चियंस को गलत बोलेंगे. अगर आप किसी की एक पर्टिकुलर एक्टिविटीज पे डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि आप गलत हैं, पॉइंट आउट करेंगे और दूसरों को नहीं करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. अगर हिस्टोरिकल व्यू पॉइंट से देखें तो हिंदुइज्म या इंडिया, हिंदुस्तान जो है वो एक सेकुलर कंट्री रहा ही है, बट जो पॉलिटिकली ये कब इंक्लूड हुआ, 42nd अमेंडमेंट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है 1976 में जो अमेंडमेंट हुई, उसमें जो प्रैम्बल में एक पर्टिकुलर वर्ड ऐड किया गया सेकुलर. जो इंडिया है क्या है, एक सेकुलर नेशन है. तो चलिए पहले हम देख लेते हैं फिलासफी ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म. बेसिकली इंडियन सेकुलरिज्म है क्या है. सो द टर्म सेकुलरिज्म इज अकिन टू द वैदिक कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म निरपेक्षता. क्लियर, जो मतलब सेकुलर कॉन्सेप्ट है, सेकुलरिज्म जो कॉन्सेप्ट है, जो वैदिक कॉन्सेप्ट है हमारा धर्म निरपेक्षता, इसमें क्या था कि जो सब रिलीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाएगी, किसी भी रिलीजन्स को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा. जो एटीट्यूड है स्टेट का, किंग का, टूवर्ड रिलीजन्स, इट इज इनडिफरेंट. क्लियर, डिफरेंट नहीं होगा, इनडिफरेंट होगा, सिमिलर होगा, दैट इज धर्म निरपेक्षता. तो सो जो इंडियन सेकुलरिज्म है इट इज टर्म्ड एज धर्म निरपेक्षता. बट वेस्टर्न वर्ल्ड में बिल्कुल अलग चीज़ है. वहाँ पे क्या है कि रिलीजन और गवर्नमेंट को सेपरेट कर दिया जाएगा, किंग और रिलीजन को सेपरेट कर दिया जाएगा. बट इंडियन जो हिस्टोरिकल व्यू से देखें चाहे मॉडर्न व्यू से देखें, ऐसा नहीं है. यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, रिलीजन और स्टेट में काफ़ी क्लोज रिसेम्बलेंस है, काफ़ी क्लोज कनेक्शंस है, वो चाहे एंशियंट टाइम पीरियड में है, जब अभी है. जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, सोशल एक्टिविटीज़ को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती हैं, उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है एक दूसरे पे. बट जो वेस्टर्न वर्जन है सेकुलरिज्म का, वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे स्टेट और रिलीजन दोनों को सेपरेट कर दिया जाता है. बेसिकली जो इंडियन फिलॉसफी ऑफ सेकुलरिज्म है, इट इज रिलेटेड टू द सर्वधर्म संभव. एक्चुअली मतलब इसका मीनिंग क्या रहता है, सर्वधर्म समभाव. समभाव कि जो हमारा डिवोशन है, जो फेथ है, जो बिलीफ है टू वर्ड अदर रिलीजन, सब सेम होना चाहिए. सर्वधर्म समभाव, सेम भाव. क्लियर, तो ऐसे हम इसको बोलते हैं सर्वधर्म संभव. दैट लिटरली मीन्स ऑल रिलीजन्स आर द सेम, आर ऑल पाथ लीड टू द सेम डेस्टिनेशन. सारे मतलब जो जैसे है ना, मतलब कहा जाता है कि जो रिलीजन्स हैं एक्चुअली दे आर द पाथ टू द डिवाइन, भगवान की तरफ. मतलब अलग अलग रास्ते हैं, कोई आसान है, कोई सिंपल है, कोई भक्ति पे प्रेफरेंस कर रहा है, कोई मेडिटेशन पे, कोई डिवोशन पे. एक्चुअली है क्या सब, पाथ टू द गॉड, वे टू गॉड. सो जब हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करेंगे, एक तो वो वैदिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है धर्म निरपेक्षता, जहाँ पे हम सब रिलीजन्स को एक जैसा मानते हैं, और दूसरा है सर्वधर्म संभव, जहाँ पे भी सबको एक जैसा ही माना जाता है कि सब जो है सबके लिए एक जैसा भाव होना चाहिए, सबके लिए एक जैसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए. इंडियन कॉन्सेप्ट नहीं है ये, वैदिक कॉन्सेप्ट है. तो मतलब जो इंडियन सेकुलरिज्म की हिस्ट्री, इट इज़ एज ओल्ड एज अ मैनकाइंड. यही बेसिक कॉन्सेप्ट से जिसे विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने प्रमोट किया था, और जिसे नाम दिया जाता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म का. इट रिफ्लेक्ट द डोमिनेंट इथोस ऑफ इंडियन कल्चर्स. मतलब अगर हम जो मोरालिटी की बात करें, इंडियन वैल्यूज की बात करें, तो वो रिलीजन्स पे कम बेस्ड हो गए, रैशनलिटी पे ज़्यादा. क्लियर, इसलिए मतलब जो सेकुलरिज्म है यहाँ पे जो सोर्स ऑफ मोरालिटी है ना, वो रीज़न होना चाहिए, रिलीजन नहीं होना चाहिए. तो जितनी भी इंडियन वैल्यूज हैं उन सबको अगर हम देखें, चाहे वो पुरुषार्थ हैं, रित का कंसेप्ट है, रीना का कंसेप्ट है,
वर्णा धर्म है, आश्रम धर्म है, कॉन्सेप्ट ऑफ कर्माज है, तो ये सब के सब रैशनल हैं, रीजन बेस्ड हैं, रिलीजन स्पेसिफिक नहीं है। क्लियर? आपको अगर देखा जाए तो मतलब बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, इनकी जो वैल्यूज हैं वो काफ़ी इनमें सिमिलैरिटीज हैं, जो उनके एथिकल कॉन्सेप्ट हैं, मॉरल कॉन्सेप्ट हैं, काफ़ी क्या हैं, सिमिलैरिटीज हैं उनमें। तो बेसिकली वो किस पे बेस्ड है? रीजन बेस्ड है। तो अगर हम मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करें, इंडिया का कोई भी जो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन्स नहीं है, जैसे पाकिस्तान की हमने बात की कि वहाँ पे इस्लाम जो है वो स्टेट रिलीजन्स है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। बट जो डिफरेंट डिफरेंट फेथ हैं, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, उनको लेके डिफरेंट डिफरेंट लॉज इंडिया में हैं। जैसे हाउ एवर डिफरेंट पर्सनल लॉज ऑन मैटर सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एलिमोनी विराइज विद एन इंडिविजुअल रिलीजन। जैसे इस्लाम का कॉन्सेप्ट करें, शादियों का, दो तीन चार जो भी कॉन्सेप्ट रहता है, डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट, तलाक तलाक तलाक, हिंदुइज्म ऐसा नहीं है, सिखिज्म ऐसा नहीं है। तो मतलब हर एक रिलीजन की कुछ क्या हैं, इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस हैं और उनके लिए इंडिविजुअल ही लॉज हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। तो बेसिकली जो इंडियन सेकुलरिज्म, इट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, व्हाट इट मींस टू एड्रेस रिलीजियस प्लुरलिटी एंड शॉर्ट टू अचीव पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। क्लियर? जैसे चाहे वो धर्मनिरपेक्षता की बात करें हम, चाहे सर्वधर्म संभव की बात करें, चाहे मोरालिटी की बात करें, वैल्यूज की बात करें, लॉज की बात करें, तो वो सब इस तरह से बनाया गया है कि जो डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट फेथ है, उनमें बैलेंस बना रहे। सो अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उनके क्या व्यूज हैं सेकुलरिज्म के, अपना उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो एक बार वो किसी स्कूल में गए थे, उनको किसी ने पूछ लिया कि इंडिया में सेकुलरिज्म का क्या मतलब है, तो वो उन्होंने रिस्पांस दिया था इक्वल प्रोटेक्शंस बाय द स्टेट टू ऑल रिलीजन्स, कि मतलब क्या है, सबको स्टेट इक्वल ट्रीटमेंट देगी, इक्वल प्रोटेक्शंस टू ऑल रिलीजन्स। दीज आर द वर्ड्स ऑफ नेहरू ऑन सेकुलरिज्म। ही वांटेड अ सेकुलर स्टेट टू बी द वन दैट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजन्स, वट डज नॉट फेवर वन एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदुइज्म को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, या इस्लाम को, या क्रिश्चियनिटी को, या बुद्धिज्म को, तो एक को मतलब डोमिनेट करेंगे, दूसरे को हाइप करेंगे, ऐसा नहीं है। मॉडर्न सेकुलरिज्म की बात करें तो नेहरू वाज द फिलोसोफर ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। क्लियर? नेहरू डिड नॉट प्रैक्टाइज एनी रिलीजन्स, वो खुद तो किसी रिलीजन को मानते नहीं थे, एंड नॉर डिड ही बिलीव इन गॉड, है ना, वो एथिस्ट थे। बट फॉर हिम सेकुलरिज्म डज नॉट मीन हॉस्टिलिटी टू रिलीजन्स। एट द सेम टाइम नेहरू वाज नॉट इन फेवर ऑफ ए कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड स्टेट। इक्वल प्रोटेक्शन की बात करें, बट वो रिलीजन को स्टेट से सेपरेट नहीं करें, जैसे वेस्टर्न सेकुलरिज्म में आपको देखने को मिलता है। इंडियन सेकुलरिज्म में चाहे वो नेहरू थे, वो खुद तो किसी रिलीजन से नहीं मानते थे कि मैं किसी रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, बट जो इंडियन रिलीजन्स हैं उनको और इंडियन पॉलिटिक्स जो है उसको उन्होंने सेपरेट नहीं किया। ए सेकुलर स्टेट कैन इंटरफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स। नेहरू हिमसेल्फ प्ले की रोल इन एनेक्टिंग लॉ, एबॉलिशिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, डॉरी सिस्टम, सती, एक्सटेंडिंग लीगल राइट्स एंड सोशल फ्रीडम टू इंडियन वुमन। जैसे मतलब जो रिसेंट केसेस हुए हैं अभी ट्रिपल तलाक को लेके, इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकुलरिज्म, जहाँ पे स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर कर रहा है और रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर करता है। जैसे हम अगर हिस्टोरिकली देखें तो हिंदुइज्म में ऐसे काफ़ी सारे केसेस, जैसे सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज थी, तो ये सब कब बैन हुआ, स्टेट ने इंटरफेयर किया, है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी लाई गई, लॉज फ्रेम किए गए जिससे उन चीज़ों को बैन किया जा सके। तो स्टेट को जब नेसेसरी लगे रिलीजन में इंटरफेयर करना तब वो करती है, जब ना लगे तब वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। दिस इज अ बेसिक फिलॉसफी ऑफ नेहरू ऑन सेकुलरिज्म। सो अगर हम पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें तो सेकुलरिज्म जो है वो सिद्धांत है, मतलब पॉलिटिकल डायमेंशन की बात करें, यहाँ पे स्टेट और रिलीजन दोनों को सेपरेट रखा जाता है, चाहे वो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं और रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव हैं, के बीच एक सेपरेशन चाहिए। मतलब जो इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, रिलीजन का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में, या पॉलिटिकल का इन्फ्लुएंस रिलीजन में, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर रिलीजन पॉलिटिकल को इन्फ्लुएंस करता है वो भी गलत होगा, अगर पॉलिटिक्स रिलीजन को इन्फ्लुएंस करती है वो भी गलत होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम वोट की एग्जाम्पल ले लें, अगर वोटिंग रिलीजन को देख के की जाएगी तो उसका इम्पैक्ट पॉलिटी पर गलत पड़ेगा, और अगर पॉलिटी जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन को देख के की जाएगी तो उसका इम्पैक्ट भी गलत पड़ेगा। इश्यूज हाईलाइट किए जाते हैं कि केजरीवाल अगर किसी हिंदू की सिख की डेथ होगी तो वहाँ कभी नहीं जाते हैं, बट एक मुस्लिम की डेथ होती है तो वहाँ उनके घर पे चल जाते हैं, पैसे वो सबको देते हैं, कोई भी ऐसा कुछ हुआ होगा अगर तो पैसे दिए हैं, बट जो पर्टिकुलर मुस्लिम होगा तो वो उसके घर चले जाएंगे। पॉलिटिशियंस की ड्यूटी बनती है कि वो सबको एक जैसा ट्रीट करें, इक्वल ट्रीटमेंट दें, जाना तो सबके पास जाना, नहीं तो नहीं जाना। क्योंकि अगर सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट आप लेके आ रहे हैं ना, तो फिर आपको माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट लेके नहीं आना है, क्योंकि माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट अगर आप किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तो वो सेकुलरिज्म में ऐसी कोई डेफिनेशन होती ही नहीं है। सेकुलरिज्म में किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। जब इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिल रहा है तो फिर आप माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता,
क्लियर, दैट इज सेकुलरिज्म। तो बेसिकली जो रिलीजियस मैटर होते हैं वो उनके फॉलोअर्स पे छोड़ देने चाहिए, वहां पे गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। हिंदू हिंदुइज्म के साथ जो मर्जी करें, जैसे मतलब तमिलनाडु में अभी फ्री टेंपल का कंसेप्ट आया है कि जो क्रिश्चियंस हैं, जो इस्लाम हैं, इनके जो टेंपल्स हैं, इनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, बट जो हिंदू टेंपल्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर हैं। ऐसा क्यों है? अगर बाकी रिलीजन्स के टेंपल्स को आपने कंट्रोल करके नहीं रखा है तो हिंदुइज्म्स के टेंपल्स को कंट्रोल करके क्यों रखा है? वो जो रेवेन्यू आता है वो कहाँ जाता है? गवर्नमेंट खा रही है। क्या ये एक सेकुलर कंट्री के लिए सही है? वन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म इज असर्टिंग द राइट टू बी फ्री फ्रॉम द इम्पोजिशन बाय गवर्नमेंट ऑफ रिलीजन और रिलीजियस प्रैक्टिसेस अपॉन इट्स पीपल। गवर्नमेंट मतलब कोई भी जो प्रिंसिपल है, रिलीजियस प्रिंसिपल है, चाहे पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स है, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर फेथ के लोग हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रैक्टिस इम्पोज नहीं कर सकती। और जो अनदर फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म इज अ व्यू दैट पब्लिक एक्टिविटीज एंड डिसीजन स्पेशली पॉलिटिकल वन शुड बी अनइन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस। जो पॉलिटिकल डिसीजंस हैं प्रोग्रेस को लेके, ग्रोथ को लेके, डेवलपमेंट को लेके, किसी भी स्टेट की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, किसी भी कंट्री की, वो रिलीजन स्पेसिफाइड नहीं होने चाहिए कि आप रिलीजन को देख के ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, किसी स्टेट को रिलीजन को देख के कम पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली यही डिफरेंस है वेस्टर्न सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में स्टेट और रिलीजन बिल्कुल सेपरेट रखे जाते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। वहाँ पे कब मिक्सअप होते हैं स्टेट और रिलीजन आपको पता ही नहीं चलता है। क्रिश्चियन रैली में बोलना शुरू कर देते हैं ना, हिंदू मुस्लिम्स वोट कहाँ जाएगा, मुस्लिम का वोट मुस्लिम को जाएगा, हिंदू का वोट हिंदू को जाएगा। तो इस तरह की पॉलिटिक्स होगी तो वहाँ सेकुलरिज्म कैसे फ्लॉरिश करेगा? पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ सेकुलरिज्म, जहाँ पे जरूरत है स्टेट को रिलीजन से सेपरेट रखने की, जो स्टेट की इंटरफेरेंस रिलीजन में, जहाँ रिलीजन की इंटरफेरेंस जो स्टेट में, वो मिनिमम होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, तभी सेकुलरिज्म को मेंटेन करके रखा जा सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। सो बेस्ट, अगर सेकुलरिज्म की बात करें, द बेस्ट, द वर्ड सेकुलर इम्प्लाइज थ्री थिंग्स, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, सबको अपने धर्म की आज़ादी होनी चाहिए रिलीजन की, इक्वल सिटीजनशिप टू ईच सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर रिलीजन, सबको समान सिटीजनशिप मिलनी चाहिए कोई किसी भी रिलीजन का होगा वो, एंड सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म्स को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन इक्वल सिटीजनशिप इन स्पाइट ऑफ एनी रिलीजन, एंड थर्ड इज सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। तीन कॉमन चीज़ें, एक तो आज़ादी, धर्म की आज़ादी, किसी भी धर्म के होने के बावजूद सिटीजनशिप, जैसे मतलब इंडिया में कॉन्सेप्ट राइज हुआ अभी लेटर NRC का, वहाँ पे क्या है कि अब वो अच्छा है गलत है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि सिर्फ जो हिंदूज हैं अदर कंट्रीज में जहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, अब जैसे पाकिस्तान तो क्या है, इस्लामिक स्टेट है, वहाँ पे जो हिंदू हैं नेचुरली हमें उनको ले आना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो तो वहाँ सफ़र करेंगे। अगर स्टेट का रिलीजन क्या है, इस्लाम है, तो वहाँ पर डेफिनेटली सफ़र करेंगे। अब हम इस्लाम मुसलमानों को क्यों लाएं, मतलब पाकिस्तान से इंडिया में जो लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं वो ये बोलते हैं ना कि हमें मुस्लिम को भी लाना चाहिए वहाँ से, मुस्लिम को क्यों लाएं हम, क्योंकि इस्लाम जहाँ तो सेकुलर स्टेट बन जाए फिर हम उनको कोई लाने की ज़रूरत नहीं है। बट जब तक वो इस्लामिक स्टेट्स हैं तब तक तो बींग ए हिंदू नेशंस, बींग ए हिंदू, हमारी ड्यूटी बनती है कि जो लोग उधर माइनॉरिटी सफ़र कर रही हैं उनको यहाँ से यहाँ लाया जाए। बट जब ऐसा बोला जाता है तो वहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, NRC का लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं। सारी बेसिकली पॉलिटिकल डिबेट्स हैं, कौन गलत है कौन सही है मैं यहाँ पे ये डिसाइड नहीं कर रहा, मैं इसको सिर्फ सेकुलरिज्म से रिलेट करके देख रहा हूँ। वेस्टर्न सेकुलरिज्म में ऐसा देखने को नहीं मिलता, वहाँ पे रिलीजन और स्टेट बिल्कुल सेपरेट हैं, आपको सिटीजनशिप मिलेगी चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे कोई भी है, और आपको आज़ादी है अपने रिलीजन की। मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ना वेस्टर्न वर्ल्ड में, अगर हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें, वो मेन डिफरेंस यही है कि स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रखा जाता है। जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं वहाँ पे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं होता, जो पॉलिटिकल लॉज हैं वहाँ पे रिलीजन का कोई लेना देना नहीं होता, चाहे कोई क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, सब पे जो लॉज हैं पॉलिटिकल लॉज वो इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, तो वो एक सेकुलरिज्म सेकुलर कंट्री की निशानी है। बट इंडिया में ऐसा देखने को नहीं मिलता, जैसे मतलब NRC के विरोध में सारे खड़े हो जाएंगे, बट हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तब नहीं, हमें नहीं चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे मुस्लिम कहते हैं हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं चाहिए, बट NRC के विरोध में वो बात करेंगे, तो मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड है हमारा। अगर हमें सेकुलर बनना है तो पूरा बनिए, सेकुलर बनना है तो पूरा बनिए हर एक एस्पेक्ट में, ये नहीं है जहां आपके फेवर में है चीज़ें वहां आप सेकुलर बन जाते हैं, और जहां चीज़ें आपके फेवर में नहीं है वहां आप सेकुलर नहीं रहते हैं। टूरिज्म में इंडिविजुअल चॉइस नहीं होती है, वहां एक यूनिवर्सल चॉइस होती है, सबके लिए सेम प्रिंसिपल्स होते हैं। अब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा किसी को, मैंने जैसे पहले भी बात की कि जो माइनॉरिटीज़ का कंसेप्ट है ये सेकुलरिज्म में हो ही नहीं सकता। माइनॉरिटीज़ का कंसेप्ट बेसिकली क्या होता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, बट सेकुलरिज्म में स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे तो वहां पे फिर तुम प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इनइक्वल डिफरेंस, मतलब डिफरेंट एटीट्यूड है आपका, तो सेकुलरिज्म बोलता है कि आपका एटीट्यूड इनडिफरेंट होना चाहिए।
सो इन कंट्रास्ट इन इंडिया द वर्ड सेक्युलर डज नॉट इम्प्लाई सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, जैसे हम बात कर चुके हैं पहले भी, इट मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ रिलीजन, है ना, सबको बराबर। रिलीजन इन इंडिया कंटिन्यूज टू असर्ट इट्स पॉलिटिकल अथॉरिटी इन मैटर ऑफ पर्सनल लॉज, होता है ऐसा। द एप्लीकेबल पर्सनल लॉ डिफर इफ एन इंडिविजुअल रिलीजन इज क्रिश्चियनिटी और हिंदू। सेक्युलरिज्म इन इंडिया ऑल्सो डिफर फ्रॉम द फ्रेंच कंसेप्ट ऑफ फॉर सेक्युलरिज्म, वाइल द फ्रेंच कंसेप्ट डिमांड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन रिलीजन एज वेल एज एब्सेंस ऑफ रिलीजन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल्स। तब इंडिया में तो स्कूल भी हैं, मद्रासे हैं, वैदिक स्कूल्स हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। वाइल द फ्रेंच कंसेप्ट डिमांड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन रिलीजन एज वेल एज एब्सेंस ऑफ रिलीजन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड स्कूल, द इंडियन कॉन्सेप्ट इन कंट्रास्ट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू रिलीजियस स्कूल्स एंड एक्सेप्ट रिलीजियस लॉ ओवर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे आर्टिकल 25, 26, 27, 28, इनको अगर देखें तो ये फुल रिलीजन्स को सपोर्ट करते हैं, तो मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल है रिलीजन। सिमिलरली इंडियन गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट रेगुलेट एंड एडमिनिस्टर द हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल्स बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज एंड सर्टेन क्रिश्चियन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, दिस डायरेक्ट इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन वेरियस रिलीजन्स इज मेकिंग डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलर, दिस इज अ बेसिक डिफरेंट बिटवीन इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या देखा हमने, जो गवर्नमेंट है उसकी रिलीजन में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बट इंडियन रिलीजन में तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने बता दिया ना आपको आर्टिकल्स 25, 26, 27, 28, इनका डायरेक्ट कंसर्न है रिलीजन के साथ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट और स्टेट और गवर्नमेंट साथ साथ चलती है, बट स्टेट पूरी कोशिश करती है कि सब रिलीजन्स के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, इसलिए जो इंडियन सेकुलरिज्म है इट इज यूनिक एज कम्पेयर टू द फ्रेंच और अदर वेस्टर्न वर्ल्ड कंट्रीज। सो नाउ कम्स टू द सेकेंड लास्ट पॉइंट, थ्रेट टू सेकुलरिज्म, है ना, सेकुलरिज्म्स, जो इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें चाहे वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करें, सेकुलरिज्म को किस चीज से खतरा है, बोलते हैं ना सेकुलरिज्म खतरे में है, कहने को तो इंडिया को सेकुलरिज्म कहा जाता है, नो डाउट इंडियन सेकुलर स्टेट है भी, जितने वायलेंस अदर स्टेट्स में होते हैं यहाँ पे इतने नहीं हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम, जैसे 1984 में दिल्ली में जो वायलेंस हुआ वहाँ पे 2700 सिख मारे गए, क्लियर। कश्मीर से हिंदू कश्मीरी पंडित जो थे उनको फोर्स किया गया घर छोड़ने पर, वैली से कश्मीर से निकाला गया उनको, मर्डर्स रेप उनके साथ आम बात थी वहाँ पे। 2002 में गोदर राइट्स, जो पोस्ट गोदर राइट्स है वहाँ पे 1000 लोग मारे गए, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स मोस्टली, है ना, किल्ड ऑन द नेम ऑफ बट। सो इन जो तीनों इवेंट हमने देखे, चाहे 1984 का देख रहे हैं, चाहे कश्मीर का इशू देख रहे हैं, चाहे आप गोदर राइट्स देख रहे हैं, इनमें सब में कॉमन क्या है, वन एक एग्जाम्पल कॉमन है इनमें, वो क्या है, वन कम्युनिटी आर टारगेटेड and victimized on account of their religious identity. 1984 में सिखों को देखा गया सिर्फ, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को देखा गया सिर्फ, गुजरात राइट्स में सिर्फ मुस्लिम को देखा गया, तो यहाँ पे क्या है, क्या है यहाँ पे सेकुलरिज्म कैसे फ्लोरिश करेगा, ये पॉइंट यहाँ पे राइज हो जाता है। ये जो चीज़ें हैं, जो ये इवेंट हैं, ये सेकुलरिज्म के लिए खतरा है। बेसिकली जो पॉइंट्स अगर हम इनको देखें, वाइल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द स्टेट बीइंग एब्सोल्युटली न्यूट्रल टू ऑल रिलीजन्स, आवर सोसाइटी हैज स्टेप्ड इन रिलीजन्स, है ना, तो गवर्नमेंट ने तो क्लियर करके रखा है भाई इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें वहाँ भी सेकुलरिज्म क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट जो डाइवर्स रिलीजन्स के लोग हैं ये कई बार क्या करते हैं, अपनी जो लिमिट है उसको क्रॉस कर देते हैं, तभी 1984 जैसा, 2002 जैसा, जहाँ कश्मीरी हिंदुओं का जो मस्करेस हुआ था, ऐसे इवेंट सामने आते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होता। मिंगलिंग ऑफ रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स, दैट इज मोबिलाइजेशन ऑफ बोर्ड्स ऑन ग्राउंड ऑफ प्राइमोडियल आइडेंटिटीज लाइक रिलीजन कास्ट एंड एथनिसिटी हैव पुट सेकुलरिज्म इन डेंजर्स, है ना, जो धर्म के नाम पे वोट पॉलिटिक्स इंडिया में पर्टिकुलरली, क्या एक मुस्लिम को बोलोगे मोदी को वोट देगा, वेरी रेयर, एक हिंदू को बोलोगे आप ओवसी को वोट देगा, वेरी रेयर, तो मतलब एक क्रिश्चियन को, इससे क्या मतलब, जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है इंडिया में ये काफ़ी डोमिनेट कर रही है, इससे भी जो है सेकुलरिज्म को खतरा है, इट इज डेंजरस फॉर सेकुलरिज्म। पॉलिटिक्स ऑपरेट थ्रू कम्युनलाइजेशन ऑफ सोशल स्पेस बाय स्प्रेडिंग मिथ एंड स्टीरियोटाइप अगेंस्ट माइनॉरिटीज थ्रू अटैकिंग ऑन रैशनल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसिंग ए डिविसिव आइडियोलॉजिकल प्रोपोगंडा एंड
पॉलिटिक्स, एक मुस्लिम आता है वो क्या कहता है कि जो हिंदुइज्म है जहाँ पे एससी को बड़ा बदसलूकी से ट्रीटमेंट किया जाता है, नो डाउट कुछ इवेंट ऐसे आते हैं, बट एक अदर रिलीजन्स के बंदे को हिंदुइज्म के ही, हम सारे हिंदू हैं पहले नंबर है ना, जैसे मैं खुद की बात करूँ, जब आप लोगों की बात करें जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, तो अदर रिलीजन्स का बंदा एक आके बोल रहा है, नहीं एक मुस्लिम एक क्रिश्चन आके बोल रहा है कि जो अपर कास्ट हैं उन्होंने लोअर कास्ट के साथ बड़ा बेदसलूकी से ट्रीटमेंट किया, नो डाउट हम लोग खुद दिख रहा है, हम उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रही है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्ट्रांगेस्ट प्रोविजंस हैं कि अगर कोई अपर कास्ट का बंदा ऐसा कोई इवेंट में इन्वॉल्व होता है तो उसको स्ट्रांग से स्ट्रांग पनिशमेंट दी जाए। बट क्या करते हैं, वोट पॉलिटिक्स के चक्कर में हम चीज़ें घुमाते हैं, हिंदू मुस्लिम की चीज़ें घुमाएगा, मुस्लिम हिंदू की चीज़ें घुमाएगा, क्रिश्चियन उधर घुमाएगा, बुद्धिस्ट उधर घुमाएगा, सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे रिलीजन्स को चीज़ें घुमा रहे हैं, और ये जब चीज़ें रिलीजन और पॉलिटिक्स ज़्यादा मिक्स होता है तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो पोलिटाइजेशन ऑफ एनी वन रिलीजियस ग्रुप लीड्स टू द कॉम्पिटिटिव पोलिटाइजेशन ऑफ अदर ग्रुप्स, दे आर बाय रिजल्टिंग इन द इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, है ना, ऐसे हैदराबाद में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ऐसे इवेंट कब होते हैं जब आप एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे रिलीजियस क्लैश होना पॉसिबल है। वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज कम्युनल राइट्स, है ना, इन रिसेंट पास्ट आल्सो कम्युनलिज्म हैज प्रूव टू बी ए ग्रेट थ्रेट टू द सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडियन पॉलिटी, जो 1984 का 2002 का कश्मीरी पंडितों का, ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं। राइज ऑफ हिंदू नेशनलिज्म इन रिसेंट ईयर्स हैव रिजल्टेड इनटू मॉब लिंचिंग ऑन मेयर सस्पिशन ऑफ स्लॉटरिंग काउज एंड कंज्यूमिंग बीफ, होता है ना, कितने सारे मुस्लिम लोगों को ऐसे पीट दिया गया, ऐसे क्या पीटा, मतलब ठीक है आपका फेथ आपका बिलीफ है कि आप काउ को प्यूस मानते हैं पवित्र मानते हैं, बट कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप कंप्लेन करिए उसको पुलिस को दीजिए, वो आगे मामला देखिए, कि आप खुद ही पीटना शुरू कर दोगे तो इससे भी क्या है सेकुलरिज्म को खतरा है, बैलेंस जो है कंट्री का वो खराब होता है। इन एडिशन विद दिस फोर्स क्लोजर ऑफ स्लॉचर हाउसेस, कैंपिंग अगेंस्ट लव जिहाद, रिकंजर्वेशन ऑफ घर वापसी, मुस्लिम बींग फोर्स टू कन्वर्ट टू हिंदुइज्म एटसेट्रा, री इन्फोर्स कम्युनल टेंडेंसीज इन सोसाइटी। सो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म है ना, रिवाइवलिज्म पुशेस फॉर एस्टेब्लिशिंग इस्लामिक स्टेट्स बेस्ड ऑन शारिया लॉ विच डायरेक्टली कम्स इन टू कन्फ्लिक्ट विद द कंसेप्शन ऑफ द सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक स्टेट्स, तो उनको क्या चाहिए, इस्लामिक स्टेट चाहिए, ग्वाजा हिंद कहते हैं ना वो, कि हम हिंदुस्तान को कैप्चर कर लेंगे, इस्लामिक स्टेट बना देंगे इसको, तो जब तक ये चीज़ें रहेंगी ना तब तक बैलेंस नहीं रहेगा। अब बेसिकली अगर हम देखें तो मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया गया, बेसिक डिवीजन का कॉज क्या है, बेसिक डिवीजन का कॉज क्या है, रिलीजन्स, तो जब रिलीजन को सेपरेट रिलीजन के बेसिस पे सेपरेट कर दिया गया था, गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती थी कि आप जो हिंदू हैं सारे इधर आ जाएं और मुस्लिम सारे उधर चले जाएं, तो मतलब जो उनको उधर छोड़ दिया है, जो हिंदू पाकिस्तान में है वो वहाँ टॉर्चर सह रहा है, इंडिया में ऐसा नहीं है क्योंकि इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट है, यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है जितना मैं ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल नहीं है, बट इतना ज़्यादा नहीं है जितना वहाँ पे है, वहाँ पे क्रिश्चियंस का देखा जाए इस्लाम का देखा जाए, क्योंकि वहाँ स्टेट रिलीजन इस्लाम है तो वो बाकी रिलीजन को इंपॉर्टेंस देंगे ही नहीं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन होना फुली पॉसिबल है। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है तो फिर यूनिफॉर्म लॉज भी होने चाहिए, बट जो इस्लाम है जो मुस्लिम लोग हैं उनको वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। सेकुलरिज्म तभी सर्वाइव करेगा जब हर जगह इक्वल ट्रीटमेंट होगा, हर जगह, एक जगह नहीं, जहां आपको अच्छा लग रहा है वहां पे आप सेकुलर हो जाते हो, जहां आपको अच्छा नहीं लगा वहां आप सेकुलर नहीं हो, इस तरह से सेकुलरिज्म पॉसिबल नहीं है, तो उस तरह से इंडिया सेकुलर स्टेट है भी नहीं। फिर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म सिर्फ इस्लाम में देखने को नहीं मिलता, हिंदुइज्म में भी है वो चीज़ें, बुद्धिस्ट में भी होता है, जैन में भी होता है, सिखों में भी है, तो अगर सारे एक्सट्रीम वाले रिलीजियस फंडामेंटलिज्म हो गए तो फिर क्या होगा, एकदम क्योस कन्फ्यूजन, इसलिए बेटर है कि हमें सेक्युलरिज्म को मेंटेन करके रखा जाए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उनको थोड़ा सप्रेस किया जाए और जो यूनिवर्सल इंटरेस्ट है उनको थोड़ा फ्लॉरिश होने दें। सो इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन स्ट्रे इंसिडेंट्स ऑफ मुस्लिम यूथ बीइंग इंस्पायर्ड एंड रेडिकलाइज्ड बाय ग्रुप लाइक ISI विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर बोथ इंडिया एंड वर्ल्ड, जैसे मतलब कश्मीर की बात करें, केरला की बात करें, कितने सारे मतलब कश्मीर में तो उधर ही टेररिस्ट बनते हैं, उधर ही मारे जाते हैं, वो गलत बात है, हम खुद के सिटीजन्स को खुद मार देते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, कोई भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, चाहे वो केरला का जूथ है जो ISI की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहा है, वहां पे मेन फैक्टर क्या है, रिलीजन, जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, मेन फैक्टर क्या है वहां पे, रिलीजन, आप हिंदू को एक ISI में नहीं लेके जा सकते, मिलिटेंट नहीं बना सकते उसको कश्मीर में जाकर, हिंदू कभी ऐसा नहीं करेगा, बेशक कश्मीरी पंडित होगा वो कभी इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलेगा, बोलेगा उसका डंग होगा बोलने का, वो कभी गन नहीं उठाएगा, गन कौन उठाएगा, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीजन का बंदा, तो वो क्या है, इट इज डेंजरस फॉर सेकुलरिज्म।
तो वो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, जो भी एक्सट्रीम फॉर्म में जाएगा, जो फंडामेंटलिस्ट हो जाएगा, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट, दैट क्रिएट प्रॉब्लम्स, दैट इज डेंजरस फॉर सेक्युलरिज्म. सो दीज आर द बेसिक थ्रेट्स टू सेक्युलरिज्म. तो चलिए कंक्लूड करते हैं इसको. टू कंक्लूड, सेक्युलरिज्म कैन बी अंडरस्टूड एज वन आर मोर ऑफ द फॉलोइंग: सेपरेशन ऑफ रिलीजन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम स्टेट इंस्टीट्यूशंस, एंड ए पब्लिक स्फीयर वेयर रिलीजन में पार्टिसिपेट बट डू नॉट डोमिनेट. क्लियर फर्स्ट पॉइंट क्या है? अगर हमें सेक्युलरिज्म को अचीव करना है या सेक्युलरिज्म को समझना है, तो कि जो सेक्युलरिज्म है वहाँ पे स्टेट और रिलीजन को सेपरेट रखा जाना चाहिए. अगर स्टेट रिलीजन में या रिलीजन स्टेट में पार्टिसिपेट करता भी है, तो उनका जो पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, सिर्फ डोमिनेशन ही होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस वन फेथ और बिलीफ विदाउट हार्मिंग अदर्स, और टू चेंज इट और हैव और नॉट हैविंग वन अकॉर्डिंग टू वन ओन कंसाइंस. क्लियर है? मुझे अगर कोई और रिलीजन अच्छा लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय बुद्धिज्म, है ना, जब मैं फिलोसफी पढ़ रहा था, बुद्धिज्म पढ़ा, तो मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ. एक टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं, बुद्धिस्ट बन जाता हूँ, नहीं बना ड्यू टू सम रीजन्स. एंड नंबर ऑफ पीपल्स हैं जो एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो रहे, जो फेथ जो बिलीफ आपको सही लग रहा है आप उसमें जा सकते हैं. बट आप जब दूसरा फेथ ट्राई कर रहे हैं, दूसरा रिलीजन ट्राई कर रहे हैं, पहले जिस फेथ से आप बिलोंग करते हैं उसको ट्राई करिए डीपली. क्लियर? आपको खुद का रिलीजन ही अच्छा लगना शुरू हो जाएगा. सारे रिलीजन बेसिकली हैं क्या? मतलब सब रिलीजन एक जैसे हैं? सब रिलीजन एक जैसे हैं, बस रास्ते अलग अलग हैं. तो इसलिए जो एक सेकुलर स्टेट है, एक जो सेकुलर नेशन है, वहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की, अपना फेथ प्रैक्टिस करने की. वो अगर चेंज करना चाहे, अपना बिल्कुल एग्नोस्टिक होना चाहे, एथिस्ट होना चाहे, वो भी हो सकता है. गॉड को मानते ही नहीं है, दे आर एग्नोस्टिक्स. तो हम फोर्स थोड़ी करेंगे हिंदू उनको कि आप भगवान को मानो. नहीं, देयर इज नो नीड ऑफ गॉड. थर्ड पॉइंट इज सबको समानता होनी चाहिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. इक्वालिटी सो दैट ऑल रिलीजियस बिलीफ और लैक ऑफ देम डू नॉट पुट अस अपुट एनी ऑफ अस एट एनी एडवांटेज आर ए डिसएडवांटेज. है ना, मैं कोई चीज़ फॉलो कर रहा हूँ, वो सिर्फ हिंदुइज्म है, वो इस्लाम में नहीं है, तो मुझे उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए. मतलब जो भी प्रैक्टिसेस हैं, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फेथ एंड बिलीफ्स, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए डे टू डे लाइफ में. जो गवर्नमेंट का ट्रीटमेंट है टू वर्ड्स अस, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट जो है वो इक्वल रहना चाहिए. क्लियर? रिस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट फेथ बिलीफ एंड रिलीजन्स. सो दीज फॉलोइंग आर द पॉइंट्स, वेज टू प्रमोट सेक्युलरिज्म्स, कि जो सेक्युलरिज्म है उसको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, क्या पॉइंट्स हैं बेसिक, ज्ञान को देखने की हम कोशिश करेंगे. इन ए प्लूरलिस्टिक सोसाइटी द बेस्ट अप्रोच टू नर्चर सेक्युलरिज्म इज टू एक्सपैंड रिलीजियस फ्रीडम रदर देन स्ट्रिक्टली प्रैक्टाइजिंग स्टेट न्यूट्रैलिटी. क्लियर? अगर आप चाहते हैं जो सेक्युलरिज्म है वो बरकरार रहे, ग्रो करे, पर्टिकुलरली एक ऐसी स्टेट जैसे इंडिया है जहाँ डाइवर्स रिलीजन्स हैं, तो वहाँ पे सबको आज़ादी होनी चाहिए अपनी जो रिलीजियस फेथ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको करने की. सो सेकंड पॉइंट इज इट इज इनकम्बेंट ऑन अस टू एंश्योर वैल्यू एजुकेशन दैट मेक्स द यंगर जनरेशन अंडरस्टैंड्स एंड अप्रिशिएट्स नॉट ओनली इट्स ओन रिलीजन्स आर रिलीजियस ट्रेडिशंस बट ऑल्सो दोज ऑफ द अदर रिलीजन्स इन द कंट्री. तो मतलब जो स्ट्रक्चर है हमारी एजुकेशन का, करंट स्ट्रक्चर्स, जैसे मतलब स्किल बेस्ड एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन और मॉडर्न एजुकेशन जिसे हम कह रहे हैं, वहाँ पे वैल्यू एजुकेशन बिल्कुल खत्म है. फॉर एग्जांपल फिलॉसफी की बात करें हम, तो फिलॉसफी हो गया, एथिक्स हो गया, ये बेसिक है जिसको हर एक, मतलब जैसे हम है ना फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी कर रहे हैं हर एक स्कूल एजुकेशन में, हायर स्टडीज में, उसी तरह से जो फिलॉसफी है, जो एथिकल एजुकेशन है, मॉरल एजुकेशन, इसको भी कंपलसरी कर दिया जाना चाहिए. जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स उनको प्रीच किए जाने चाहिए, जिससे वो सबको समझ पाएँ कि सब एक ही हैं, और जो अननेसेसरी हेट है टू वर्ड वन एंड अदर्स वो ख़त्म हो सके. क्लियर? वो मोरालिटी का नॉलेज हो उनको, एथिक्स का नॉलेज हो, क्या सही है क्या गलत है, कैसे डिसाइड करना है, कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हम किसी चीज़ को गलत कहते हैं या सही कहते हैं, मॉरली राइट क्या है, मॉरली रॉन्ग क्या है. ये तभी पॉसिबल है जब आप उनको इस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करें. सो अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, तो इतने सारे जब डाइवर्स रिलीजन्स फेथ होंगे, तो वहाँ पे हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए, स्टेट की कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो भी लॉज आएँ वो इस तरह से होने चाहिए कि सब कॉमन हो. जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि तो इंडिया में इतने सारे रिलीजन्स हैं और अब सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो उससे क्या होगा, बैलेंस बना रहेगा, किसी को भी ऐसा नहीं लगेगा कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है.
on a religious ground or on the ground of faith or beliefs. The prerequisite to implement the social reform initiative like Uniform Civil Code are to create a conducive environment on foreign social political consensus. Clear? So this is all about secularism. तो सेकुलरिज्म बेसिकली देखा जाए ना, जैसे इंडिया की तरह जो डाइवर्स कंट्री है, इतने सारे रिलीजन्स एक साथ रह रहे हैं, सिर्फ आप सेकुलर बन के रहेंगे, सिर्फ मुसलमान सेकुलर हो जाए और हिंदू सेकुलर ना हो, सिर्फ मुसलमान सेकुलर हो जाए और सिख सेकुलर ना हो, तो कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा. सेकुलर हैं तो सब होंगे, तो सेकुलरिज्म फ्लॉरिश करेगा, डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, सस्टेन करेगा. अदरवाइज सेकुलरिज्म खतरे में, अगर सेकुलरिज्म खतरे में है तो सारे रिलीजन्स खतरे में है. क्लियर? तो बैलेंस तभी है जब सारे सेकुलर हैं, सिर्फ एक पर्सन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, जैसे हिंदू सेकुलर हो जाए तो काम नहीं चलने वाला है ना, वो अपना गवाजा हिंद लेके चलते रहें और आप सेकुलर बने रहें तो भी काम नहीं चलेगा, आप अपने हिंदू राष्ट्र पे आ जाएं तो भी काम नहीं चलेगा. तो बेसिकली हिंदुइज्म रिलीजन था ही नहीं, इट्स अ सिविलाइजेशन, इट्स अ कल्चर, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. तो आप उस तरह से मत देखिए कि हिंदू राष्ट्र है, वो ऑलरेडी है, उसको बनना नहीं है, वो ऑलरेडी है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ. मतलब अब हम जब सेकुलरिज्म की बात करते हैं बेसिकली, हम पे जब आप रिलीजन को बोलते हो ना, वो रिलीजन ऑर्गेनाइज रिलीजन है. अब मतलब वैदिक फिलोसफी की बात करें, वहाँ पे कितनी डाइवर्सिटी है सेकुलरिज्म, जैसे वेदास, उपनिषद्स है ना, पुराण्स, कितने सारे हैं, हर मतलब जितनी भी ये टेक्स्ट हैं जो रिलीजियस टेक्स्ट, इनमें डाइवर्स एक्सप्लेनेशन हैं टू बट रियलिटी, नॉलेज, वैल्यूज, गॉड, सोल, है ना. मतलब इंडिया में तो देखो, अब हिंदुइज्म की बात करें, इंडियन फिलोसफी की बात कर रहे हैं, भगवान है, भगवान नहीं है, भगवान मल्टीपल हैं, आप कुछ भी चलिए, आप तो भी हिंदू हैं. बट इस्लाम में ऐसा नहीं होगा, क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं होगा, भगवान है तो है. तो हिंदुइज्म में क्या, आप एक भगवान को मानिए, दो को मानिए, तीन को मानिए, किसी को भी नहीं मानिए, अब तो वो भी हिंदू हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ हिंदुइज्म. क्लियर? तो आप इस तरह से मत लेके चलिए कि हिंदू राष्ट्र बनाना, वो ऑलरेडी है. तो जो पाकिस्तान है, जैसे वो सपोर्ट करता है कि वह गवाजा हिंद, हम सारा कैप्चर करेंगे, तो इस तरह के जो एफर्ट्स हैं वो सेकुलरिज्म को सारा बैनिश कर देते हैं. तो अगर हम चाहते हैं कि स्टेट चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है, लोग चाहते हैं अगर कि सेकुलरिज्म बरकरार रहे, जो ब्यूटी है सेकुलरिज्म की वो बरकरार रहे, तो सबको बैलेंस रहना पड़ेगा, सबको वही काम करने पड़ेंगे जो सबके लिए अच्छे हों. सिर्फ आपके लिए जो अच्छा होगा वो सेकुलरिज्म की निशानी नहीं होती. सेकुलरिज्म में क्या होता है, आपको वो करना है जो सबके लिए अच्छा है. सो दिस इज ऑल अबाउट सेकुलरिज्म. थैंक्स फॉर वॉचिंग.